नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों का जैसा कमेंट आ रहा था, रुक जाना नहीं, परीक्षा 2022-23 भाग दो आपकी स्टार्ट होने वाली है 26 दिसंबर से, तो उसके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, पूर्णांक आपको 80 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी निर्देश को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर एक एक नंबर के प्रश्न 30 होंगे, दो दो नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। विद्यार्थियों, सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो प्राप्त होने वाला है। तो सभी दोस्त, जितने भी हमारे क्लास 10th वाले, रुक जाना नहीं की परीक्षा देने वाले जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी आगे अपडेट मिल सके। विद्यार्थियों, तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे सभी प्रश्नों को देखेंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं बचा है अब आपके पेपर होने में, कुछ ही समय है। यदि पास होना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, के 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 16। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और साथ ही देखिए, टाइथ किस प्रकार का कर था? तो ये दोस्तों, टाइथ जो था ये एक प्रकार का उपज कर था। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्टेट कौन थे? तो प्रथम स्टेट जो थे वो थे पादरी। और टेली क्या थी? तो भूमि कर था। टेली जो था दोस्तों वो टेली कर था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये की थी मैथसिनी ने। मैथसिनी ने की थी दोस्तों। और फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रेडरिक सारियू फ्रांस के कलाकार थे। और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी परीक्षा में आ चुके हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 7वां, दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं दोस्तों। इसीलिए रुक जाना नहीं, वह अर्धवार्षिक परीक्षा, वह वार्षिक परीक्षा, वह प्री बोर्ड परीक्षा अगर होगी तो उन सभी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अन्य राज्य के हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे रुक जाना नहीं वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आगे खाली स्थान देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है मेरे दोस्तों। तो पहला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे? तो रूसो थे। इसमें क्या लिख देंगे? रूसो। दूसरा है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण युद्ध के बाद पूरा हुआ, फ्रांस प्रशाहा, युद्ध के बाद क्या हुआ? पूरा हुआ। और जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर को बनाया गया? तो बिस्मार्क को बनाया गया। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। और फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी, 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। आगे आप जोड़ी देख सकते हैं, पूरा का पूरा दोस्तों पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दी स्पिरिटी लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी देने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। दी स्पिरिटी आप लो, तो दोस्तों द स्पिरिटी आप लो, इसको आप मिलाएंगे मोंटेस्क्यू। और फ्रांस और प्रशा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो होता 1870 में। इटली का एकीकरण जो हुआ है वो हुआ है 1871 ईस्वी में। और फ्रेडरिक हीगेल जर्मनी दार्शनिक थे दोस्तों। और केव्यूर की मृत्यु
1861 में हुई थी। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात करने वाले हैं सत्यापत्य की। तो यहाँ पर सत्यापत्य भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है आंसर सहित, और एक शब्द में उत्तर आपको देखने को ये मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ देने वाला हूँ दोस्तों, मतलब इस क्वेश्चन से बाहर एक भी, इस पीडीएफ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे में से पूरे अंक आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय नहीं बचा है आपका। 30 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ दे रहा हूँ दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन के आंसर सहित आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आगे भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो समय पर मिल सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।